यार तुम्हें पता चला है फरवा की भी डिवोर्स हो रही है। हाँ यार मेरी हुई थी उस बेचारी से बात। एक तो उसका मियाँ कुछ करता कराता नहीं है, ऊपर से शक भी उस पर करता है। साइको, पता नहीं कहाँ फंस गए, बेचारी बहुत ही परेशान थी। यार मुझे तो लगता है हमारी नानियों दादियों का ज़माना ही ठीक था। कभी सुना था उस ज़माने में किसी की डिवोर्स हुई है? अब तो मुझे लगता है यार लोग कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते, बस ज़रा सा मसला हुआ और डिवोर्स, और ख़ास तौर पर लड़कियाँ। अब देखो मेरी नानी के 8 बच्चे थे, 8 बच्चे उन्होंने अकेली ने पाले हैं, और जब तक मेरे नाना जिंदा रहे हैं हंसी खुशी शादीशुदा रहे हैं। वो ऊंच नीच तो आई होगी ना इतने लंबे अरसे की शादी में भी, पर डिवोर्स तक का नहीं उन्होंने कभी सोचा। अपनी नानी दादी को ही देख लो, थी उस ज़माने में कभी किसी की कोई डिवोर्स हुई? तुम्हारी नानी करती क्या थी वैसे, मतलब प्रोफेशन क्या था उनका? काम क्या करना था, कुछ भी नहीं, तो घर पर होती थी, हाउसवाइफ थी। क्यों क्यों नहीं करती थी? यार वो पढ़ी लिखी ही नहीं थी, उन्होंने क्या काम करना था? पर टोटल शायद 4 जमातें पढ़ी हुई थी उन्होंने। तो क्यों नहीं पढ़ाया था उनको उनके घर वालों ने? यार उस जमाने में किधर पढ़ाते थे लड़कियों को, कहाँ रिवाज था। मतलब यही सोचते थे कि इन्होंने कौन सा नौकरियां करनी है, इन्होंने घरों में बच्चे ही पालने हैं। दादी ने तुम मेरी सोचो मैट्रिक किया था उस जमाने में, लोग समझते थे कि ये बहुत पढ़ाई है। कहाँ पढ़ाते थे तब? तो अब तुम मुझे ये बताओ कि एक बंदी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 8 उसके बच्चे हैं, अगर वो अपनी शादी में नाखुश भी हो तो वो तलाक कैसे लेगी? उसको पता है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना, और ना ही वो खुद इंडिपेंडेंटली अपने लिए कमा सकती है, ना अपने बच्चे पाल सकती है। उसके पास और ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि वो उसी शादी में रहे? और तुम्हें क्या लगता था औरतों को क्यों नहीं पढ़ाते थे कि अगर पढ़ लिख गई इंडिपेंडेंट हो गई तो क्यों किसी का अब्यूज़ बर्दाश्त करेंगी, फिर तो आराम से शादी से निकल जाएंगी? और अब इतने सालों के बाद और इतना पढ़ने लिखने और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी तलाक औरतों के लिए ही बहुत बड़ा स्टिग्मा है। स्टिल बहुत सारी औरतें अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में रह रही हैं क्योंकि वो यही सोचती हैं कि यार तलाक ले लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो सोचो तब क्या हाल होता होगा। ये बात तो है, शादियाँ ऐसी ही थी तब भी यार, बहुत सारे लोग खुश भी थे, बहुत सारे ना खुश भी थे। लेकिन बात यह है कि अब औरतें इंडिपेंडेंट हैं, अगर वो अब्यूज़ हो रही हैं, कोई इन्हें मार रहा है, या वैसे वो खुश नहीं है, उन पर शक कर रहा है, कमा के नहीं ला रहा, तो वो कम अज़ कम छोड़ तो सकती हैं ना, उन्हें पता है वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर लेंगी। पहले के ज़माने में ये ऑप्शन नहीं थी ना उनके पास, तो बहुत सारी तो बेचारी मजबूरी में ही रह रही थी। तो मैं क्या लगता है उनको कोई ख्वाब कोई एस्पिरेशंस नहीं होंगे, या उनमें से बहुत सारी दुखी नहीं होंगी? हाँ यार वैसे हमेशा कहती तो नानो यही है कि वो खुश थी अपनी शादी में, लेकिन कभी कभी मेंशन करती हैं कि उनका भी दिल चाहता है कि वो पढ़ी लिखी होती और अपने पैरों पे खड़ी होती, इंडिपेंडेंट होती, तो उनकी लाइफ डिफरेंट होती। मर्द और औरतें दोनों ही मजबूर थे यार, मर्दों को हिलकर कभी घर का कोई काम नहीं करने देते थे, इतना बड़ा स्टिग्मा था ये, तो वो कम्प्लीटली औरतों पर डिपेंडेंट होते थे घरों के काम काज के लिए। और फिर सोसाइटी का इतना प्रेशर होता था कि बच्चे में बच्चा पैदा करो। अब 6-7 बच्चों के साथ वो यही सोचता होगा कि इसको छोड़कर कोई दूसरी भी आके लेके आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक करेगी। और औरतें तो वैसे ही मजबूर थी, ना कमा सकती थी ना खा सकती थी, वो क्या करती। तो यार बहुत सारे लोग ना खुश भी थे पर ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे थे, और उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में देख लो कितने डिसफंक्शनल फैमिली से निकले हुए बच्चे हैं, साइकोलॉजिकली अपसेट हैं, इमोशनली अपसेट हैं, उन्होंने आगे वही सारा ट्रॉमा अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया है और पूरी जनरेशन की जनरेशन तबाह की है। यार मेरा तो ख्याल है कि बजाय इसके कि आप अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करें, अगर आपको लग रहा है कि आप एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते और कोई पार्टनर अब्यूज़िव है, तो आप आराम से अलहदगी इख्तियार कर लें, बजाय इसके कि पूरी ज़िंदगी री करें और बच्चों की भी ज़िंदगियाँ ख़राब करें। और यार कोई कम से कम सेन आदमी या औरत तो नहीं चाहेगा कि अपना रिश्ता जानबूझ के ख़त्म करे, किसी मजबूरी में ही लोग ये कदम उठाते हैं। ऐसा करते हैं फरवा को कहीं खाने पे ले चलते हैं, उसका थोड़ा दिल बहल जाएगा, बेचारी ऑलरेडी काफ़ी टेंस होगी। उसे हलवा पूरी खिलाने लेके चलते हैं, उसको पसंद भी बहुत है, खुश हो जाएगी बेचारी।